सो फ्रेंड्स, आज मीनल्स किचन एंड मोर में हम बनाएंगे तली हुई मिर्ची, फ्राइड मिर्ची, जिसमें यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितनी हरी मिर्च ली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, यहाँ पर मैंने इसको लंबा काटा हुआ है और आप देख सकते हो मैंने इसमें से बीज निकाले नहीं है, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो। और यहाँ पर 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। तो बहुत ही सिंपल है ये, आप जब आपके घर में सब्जी वगैरह नहीं हो तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हो। और जनरली वैसे इसको हम दाल बाटी के साथ भी खाते हैं और मक्के की रोटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऑयल लूँगी, तो ये लगभग 1 टेबल स्पून जितना मैंने सरसों का तेल लिया है। और सिर्फ सरसों के तेल से इसमें वो टेस्ट नहीं आने वाला है, तो साथ ही मैं इसमें थोड़ा घी भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर लगभग मैं 1 टेबल स्पून जितना घी ऐड करूँगी और इसको हम एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, ये 1/2 टेबल स्पून जितना मैं जीरा डाल रही हूँ, और ये लहसुन की कलियाँ। इसको अच्छे से हम थोड़ा हल्का सा भूनेंगे। गैस आप मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, और इसको लगभग हम 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। सो यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये मैं 1/4 टेबल स्पून जितना ऐड करूँगी। साथ ही नमक थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इस मिर्ची का जो तीखापन होता है उसको हल्का सा कम करने के लिए हम इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर, सो ये लगभग मैं 1 टेबल स्पून जितना डालूंगी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मसाले में, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, और किसी भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसमें नींबू ज़रूर डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद हो। मैं इसको स्किप कर रही हूँ, वो ऑप्शनल है कम्प्लीटली। फ्लेम एकदम स्लो कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। सो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक करेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर इसका कलर है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। सो अब हम इसको बंद कर देंगे, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको अपनी पसंदीदा डिशेस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो, दाल बाटी के साथ। सो ये हम गैस बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वही रेसिपी है जो जनरली मेरे फ्रेंड्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको पसंद है। सो टुडे आई हैव शेयर्ड दिस रेसिपी। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। Thank you so much.